तो आइए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो देखिए बच्चों, माना कि कोई एक हमारे पास क्या है, संधारित्र है, और आप जानते हैं कि संधारित्र की दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। माना अपने पास कोई पराविद्युत पदार्थ है और उसको अपन ने क्या किया, संधारित्र के बीच में रख दिया। संधारित्र के बीच में रखने के बाद में अपन ने इस पूरे सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो क्या होगा, जो पराविद्युत है उसके जो नॉन पोलर एटम है उनके अंदर क्या काम करेगा, जो एक बल काम करेगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएंगे, इंड्यूस पोलर एटम हो जाएंगे। ठीक है, पोलर एटम इंड्यूस हो जाएंगे तो फिर वहां पे एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। जब वहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो जो प्रेरित जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित होते हैं, मतलब उसी की दिशा में स्थापित होते हैं। तो जो इस प्रकार की जो ये क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण बोलते हैं। देखिए बच्चों कि यदि मान लो कि जो अपने पास जो संधारित्र ले रखा है आपने, उसकी जो प्लेट है उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, डी ए है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने जो दो प्लेट, एक प्लेट पे अपन ने चार्ज कितना माना है, सिग्मा पी डी ए, और दूसरी वाली प्लेट पे चार्ज कितना है, माइनस सिग्मा पी डी ए। देखिए बच्चों ये चार्ज कैसे आया, ये आप देखिए बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, ये जो मैंने 2-3 बार पिछले वाली वीडियो में भी मैंने पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व और लाइन चार्ज डेंसिटी इन सब के बारे में पहले भी बताया था, तो आज आप मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि पृष्ठ आवेश घनत्व होता है क्या। देखो पृष्ठ आवेश घनत्व को अपन क्या करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितना पृष्ठ पर जितना आवेश होता है उसके नीचे क्या लगाते हैं, सबसे पहले तो वो आवेश लिख देते हैं जितना भी अपने पास होता है। ठीक है, और उसके नीचे उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेट है, इसका जो अपन ने जो क्षेत्रफल लिया है वो कितना लिया है, डीए लिया है, तो इसलिए क्या आ गया, डीए आ गया। तो इसलिए यहाँ पे इस वाली प्लेट पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डीए। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो चार्ज है एक प्लेट पे उस सिग्मा डी कैसे आया है। ठीक है, ये वाली प्लेट नेगेटिव है तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, माइनस सिग्मा पी डी, और ये वाली प्लेट पे चार्ज गया है पॉजिटिव है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कि इन दो प्लेटों के ऊपर जब चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो अपने पास इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल डी है, तो यहाँ पे जो प्रभावी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, डी पी वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा पी डी ए इंटू डी वैक्टर। द्विध्रुव आघूर्ण एक बार याद करिए क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू तो क्या होता है, उनके बीच का जो चार्ज होता है ना, उन दोनों का, उनमें से एक का चार्ज होता है, और डी क्या होती है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अब देखिए बच्चों, इस प्लेट पे तो चार्ज ये है, इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना है, ये है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो स्मॉल डी है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या माना, हमने डी पी इज इक्वल टू एक का चार्ज ले लिया अपन ने और दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो अपने पास क्या आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब देखिए बच्चों, जो पट्टिका के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं अपन, ध्रुवण कहते हैं, मतलब एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो मतलब अपन ये करेंगे कि ध्रुवण पी इज इक्वल टू प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन में आयतन। तो अपने पास प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने अभी कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, सिग्मा पी डी ए, ठीक है, इंटू डी, और जो आयतन है वो कितना है, डी ए इंटू डी। देखिए वो जो आयतन को कैसे लिया है, आयतन को अपन ने लिया है सरफेस इंटू डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अपन ने आयतन की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद जो डी से डी कैंसिल हो गया, डी ए से डी ए कैंसिल हो गया। ठीक है, और अपने पास जो ध्रुवण है, जो पोलराइजेशन है पी, उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, पी इज इक्वल टू सिग्मा पी, और जो इसका जो यूनिट होता है वो कितना होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अपन डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण को भी पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और
ध्रुवण को भी पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको अपन किसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये ध्रुवण होता है जो पोलराइजेशन होता है इसको अपन कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, और अपने पास जो ध्रुवण पोलराइजेशन है उसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, पी इज इक्वल टू सिग्मा पी वेक्टर। अब देखिए बच्चों अपने पास जो पोलराइजेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जब उसको पैरावैद्युत पदार्थ होता है उसको अपन ने क्या किया था, एक संधारित्र में रखा था और इस पूरे सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स काम किया था पैरावैद्युत के जो धनायन तथा ऋणायन के केंद्र है वहां पे एक फोर्स काम किया था, और वो दोनों क्या हो गए थे, विस्थापित हो गए थे, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई थी, डी हो गई थी, ठीक है, मतलब ये हुआ कि वहां पे धनायन तथा ऋणायन अलग अलग हो गए थे। अब देखिए बच्चों जब बाहर से जब अपन ने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो धनायन ऋणायन अलग होने के कारण जो वहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो वहां पे क्या होगा, जब वो जो प्रेरित आवेश है मतलब जो धनायन जो ऋणायन है वो प्रेरित आवेश है तो उनकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो प्रेरित ध्रुवण के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, प्रेरित ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो वो धनायन ऋणायन जो प्रेरित हुए हैं उनकी वजह से जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेरित ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और उसको अपन ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ईपी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और पिछले वाली अपन ये पिछले वाली इक्वेशन में अपन ने कैलकुलेट ही किया था कि पी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा पी, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, सिग्मा पी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे सिग्मा पी की वैल्यू पुट करने पर अपने को क्या मिला, ईपी इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः जब किसी भी पैरावैद्युत को संधारित्र में रखा जाता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रदान किया जाता है तो जो उसके जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई पी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस पी वैक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपके शायद ये समझ में आ गया होगा, और देखो बच्चों जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, विद्युत परवर्ती। अब देखिए बच्चों समदैशिक पैरावैद्युत में द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा में प्रेरित होता है। यहाँ पे बच्चों आपको कंफ्यूज होगा कि समदैशिक पराविद्युत क्या होता है, समदैशिक पराविद्युत पदार्थ का मतलब ये हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसके सभी दिशाओं में जो गुण है वो सभी दिशाओं में समान रहे, ठीक है, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में उनके जो गुण है वो अलग अलग नहीं हो, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, समदैशिक पराविद्युत कहलाते हैं। अर्थात अतः समदैशिक पराविद्युत में द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा में प्रेरित होता है, ऐसे माध्यम में ध्रुवण पी वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अपने को पता चल गया कि पी प्रोपोर्शनल टू ई, तो अपन ने क्या किया, पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई वेक्टर, तो यहाँ पे ये जो जाई है ये वाला इसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत परवर्ती बोलते हैं, और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बहुत अधिक हो तो विद्युत प्रवृत्ति का मान नियत नहीं रहता है, और इसके अपोजिट यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बहुत कम होता है तब क्या होता है, प्रवृत्ति का मान, विद्युत प्रवृत्ति का मान नियत रहता है। ठीक है, तो ये वाली बच्चों ये डेफिनेशन आपके 1.5 नंबर की या फिर 2 नंबर की एग्जाम में आ सकती है, जैसे यहाँ पे विद्युत प्रवृत्ति हुई या फिर जो अपना पिछले वाला टॉपिक था विद्युत ध्रुवण हुआ या फिर इससे पिछले वाला टॉपिक मुक्त आवेश बद्ध आवेश और प्रेरित वैद्युत ध्रुव एवं प्रमाणिक ध्रुवणता, इनके बारे में आपको वो एक शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम के अंदर। और जो अपना अब नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट विद्युत विस्थापन। देखिए बच्चों विद्युत विस्थापन होता है क्या, ध्रुवण के कारण पैरावैद्युत में विद्युत क्षेत्र ईपी बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नोट के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था अभी कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो
अंदर जो चार्ज इंड्यूज होते हैं उनकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उसको उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जो बाह्य अपन जो विद्युत क्षेत्र प्रदान करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरित होता है। अतः पराविद्युत में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो पराविद्युत पदार्थ है उसके अंदर जो अपने पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो अपने पास जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसका प्लस में जो अपने पास प्रेरित जो आवेश है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ईपी, उसका जो दोनों का एडिशन है वो होगा, अर्थात ई इज इक्वल टू ई नोट प्लस ईपी। ठीक है, ई नोट तो क्या है, जो अपन ने बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान किया था वो है, और ईपी क्या है, वहां पे जो इंड्यूस हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है। ठीक है, और हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईपी की वैल्यू बच्चों हमने अभी जो कैलकुलेट की थी पीछे वो रख दी यहाँ पे, और ई एफ की सॉरी ई नॉट की वैल्यू पता है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है वो किसके कारण होता है, फ्री चार्ज के कारण होता है, वहां पे क्या होंगे, सिग्मा एफ होंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या किया, कॉमन लेके ई की तरफ ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने पर आपने को क्या मिला, ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी। अब देखिए बच्चों, जो सिग्मा फ्री है उसका वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, सिग्मा फ्री इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी। और जो ये ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी है ये क्या है, एक चार्ज डेंसिटी है एक तरीके से, मतलब ये सिग्मा फ्री की वैल्यू है। ठीक है, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। ठीक है बच्चों, ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दीजिए और उसका फॉर्मूला, तो आपको बस यहां तक करना है। अगर एग्जाम में आपको बड़ा या 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो बच्चों फिर आपको आगे भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 1 या 2 नंबर तक पूछे तब तो इसकी डेफिनेशन देनी है और सिंपल ये फॉर्मूला तक कैलकुलेट करना है। अगर आपके 3 या 4 नंबर का आ जाए तब देखिए आगे कितना करते हैं। और हम जानते हैं कि पी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा पी होती है। अब देखिए बच्चों, जो हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, डी इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी वेक्टर, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जो बच्चों पोलराइजेशन होता है ना, जैसे ना मान लो कोई भी पदार्थ है, ठीक है, या तो उसका पोलराइजेशन दिया हुआ होता है, ठीक है, या फिर अगर कोई पदार्थ नहीं है तो वहां पे क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पी की वैल्यू होती है ध्रुवण की वो क्या होती है, 0 होती है। जैसे मान लो कोई मेटल है तो जैसे उसके बाहर क्या होगा, जैसे कोई स्फीयर है, स्फीयर के बाहर क्या होगा, जो ध्रुवण है पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डी इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बराबर करने पर हमको क्या मिला, ई वेक्टर एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई वेक्टर एप्सिलॉन नॉट प्लस पी वेक्टर। यहां से अपने को इस ध्रुवण की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पी वेक्टर की। ये देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि ध्रुवण तथा जो ये विद्युत प्रवृत्ति है इसके बीच में रिलेशन भी पूछ सकता है, ये वाला इक्वेशन 4। ठीक है बच्चों, ये वाला रिलेशन भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो अब जरा आइए पीछे एक बार कि पी वेक्टर अपने को क्या मिला, पी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर ब्रैकेट में एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट, और अपने को पता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। और जिनको भी कंफ्यूजन है या फिर नहीं पता चल रहा तो वो पिछले वाले वीडियो एक बार देख ले, वहां पे मैंने इनके बारे में अच्छे से क्लास ले रखी है, तो आप एक बार वो वीडियो देख ले फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, पी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला एप्सिलॉन नॉट अपन ने क्या कर दिया, अब कॉमन ले लिया। ये देखिए बच्चों, ये अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अपने पास फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, पी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर एप्सिलॉन नॉट और ब्रेकेट में एप्सिलॉन आर -1। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन आर -1 होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन,
विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, चाहिए होता है, ठीक है। अपन ने अपने पास जो अब लास्ट फॉर्मूला क्या मिल गया, पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई वेक्टर। या तो आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो यहां तक करना है, ठीक है, या रिलेशन पूछ ले विद्युत प्रवृत्ति और ध्रुवण के बारे में तो यहां तक करना है, ठीक है। वो आप नंबर के हिसाब से डिसाइड कर लेना, जितना नंबर का क्वेश्चन आए उसी हिसाब से कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में जो ये एक रिलेशन आया, ये देखिए बच्चों, ये रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये जब अपन आगे वाले डेरिवेशन करेंगे तब बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। इसलिए बच्चों अपन ने क्या किया कि पी की जो वैल्यू थी पोलराइजेशन की, वो अपने को मिली गई कितनी है, एप्सिलॉन नॉट जाई ई वेक्टर, और इज इक्वल टू ई वेक्टर एप्सिलॉन नॉट जाई आर माइनस एप्सिलॉन आर माइनस वन, ठीक है बच्चों। ये वाली वैल्यू अपने पास पीछे से आई थी, ठीक है। और इन दोनों को जब अपन ने बराबर किया तो वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस जाई। और इस वाली जो फॉर्मूला अपने को कैलकुलेट हुआ है, इसका अपन आगे यूजेस देखते हैं कैसे क्या करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवीय गोले के कारण उसके किसी बाह्य बिंदु पर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, और पोटेंशियल, ये हम कैलकुलेट करेंगे, अर्थात ध्रुवीय गोले के कारण विभव एवं विद्युत क्षेत्र। देखिए बच्चों, माना कोई आर त्रिज्या का एक गोला है अपने पास और परावैद्युत गोला है, और उसको अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा है तो उसको सिर्फ जेड दिशा में हमने माना है, मतलब कि जो उसका ध्रुवण है वो किस डायरेक्शन में लिया है, जेड दिशा में लिया है, ठीक है बच्चों। और अपने को ये भी बताया कि जो प्रति एकांक आयतन जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ध्रुवण बोलते हैं। तो ध्रुवण की डेफिनेशन क्या थी, दोबारा से याद कीजिए, प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब कैपिटल पी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल पी वेक्टर अपॉन वी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले अपन एक बार द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में किसी बाह्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। चलो आओ बच्चों। बच्चों सबसे पहले जो अपने पास जो स्फीयर है उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, जीरो है, ठीक है। और जब उसको अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो ध्रुवित हो जाएगा, ठीक। और हमने क्या माना है, वो जेड डायरेक्शन में ध्रुवित हो रहा है। जब वो ध्रुवित हो रहा है तो उसमें चार्ज इंड्यूस होंगे, ठीक है बच्चों। और चार्ज इंड्यूस होंगे तो उसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो चार्ज जब इंड्यूस होंगे, जो उसका जो धनायन और जो ऋणायन है उनके केंद्र अलग अलग होंगे, उनके ऊपर एक बल काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और जब वो बल की वजह से क्या होंगे, वो धनायन तथा ऋणायन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और जो उनकी जो बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी है, यहाँ पे डी जेड मानी है, ठीक है। तो चलो आओ अपन क्या करते हैं, ध्रुवण की परिभाषा से सबसे पहले अपन द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, कैपिटल पी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल पी वेक्टर अपॉन वी, ठीक है बच्चों, इस वाली डेफिनेशन से, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण अपने को कैलकुलेट करना है, इसलिए स्मॉल पी वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल पी इंटू वी। और अपने को पता है कि जो वी की वैल्यू है वो कितनी है, 4/3 πr³। ये क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने रख दी और अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, कितनी आ गई, स्मॉल पी इज इक्वल टू 4/3 πr³ t। ये बच्चों अपने पास क्या आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। इसका बच्चों अपन क्या करेंगे, जब किसी ध्रुवीय गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर उसके सरफेस पे और उसके अंदर जब अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र तथा विभव कैलकुलेट करेंगे, तब इसका यूजेस लेंगे, ठीक है। चलो आओ सबसे पहले अपन देखते हैं ध्रुवित गोले के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव, ठीक है बच्चों। मतलब ये हुआ कि जो ये कैपिटल आर है ये क्या है, ध्रुवित गोले के रेडियस है, और ये जो स्मॉल आर है ये क्या है, इस सेंटर पॉइंट ओ से उस पॉइंट वालों ये पॉइंट पी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर है, ठीक है। तो बच्चों अपन ने क्या किया था, सबसे जो अपनी जो पिछले वाली क्लास थी, पिछले से पिछले, तो उसमें अपन ने गोले के कारण, किसी गोले के कारण बाह्य बिंदु पर अपन ने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, और अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और अपन ने
पृष्ठ के ऊपर भी कैलकुलेट किया था और अपन ने केंद्र के ऊपर भी कैलकुलेट किया था। तो अब अपन क्या करेंगे, वो डेरिवेशन दोबारा से ना करके अपन क्या करेंगे, वहां से डायरेक्ट रिजल्ट लेंगे। और जिन बच्चों को अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो प्लीज वो हमारे सारे वीडियो जो कि सीरीज में अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो सारे वीडियो आप प्लीज एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी इस फेयर की वजह से आपके जो पोटेंशियल है किसी बाह्य बिंदु पर जो हमने वहां पे कैलकुलेट करवाया था, और वो कितना था, वी इज इक्वल टू केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन दो में क्या है, स्मॉल पी आया है, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट कर लिया है। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन टू से सिर्फ पी की वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास क्या मिलेगा, अब देखिए बच्चों, वी इज इक्वल टू के की वैल्यू तो अपन ने ऐसे कैसे रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये पी की वैल्यू, स्मॉल पी वेक्टर की वैल्यू समीकरण एक से रख दी, जो कितनी है, 4/3 πr³ × P। ठीक है, और कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया। अब देखिए बच्चों, 4π से 4π क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अपने को फाइनली क्या मिला, वी इज इक्वल टू P₃ कोस थीटा अपॉन 3 ε₀ r² अपने को क्या मिल गया, इक्वेशन 3 मिल गया। अब देखिए बच्चों कि हम क्या करेंगे, अपने पास पोटेंशियल तो कैलकुलेट हो गया किसी बाह्य बिंदु पर, ध्रुवीय गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर पोटेंशियल तो कैलकुलेट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने जो यूनिट फर्स्ट की थी, जब स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड ये जब हमने पढ़ा था, तो उसके बीच में हमने ये एक रिलेशन भी पढ़ा था। तो रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू -∇V, मतलब अगर हम पोटेंशियल का एक बार डेरिवेटिव कर दे तो वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, ये वाली वीडियो भी आप एक बार पीछे देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगी कि E इज इक्वल टू -∇V कैसे होता है। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन 3 से V की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार फिर, अपन को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा किसी बाह्य पॉइंट पर। ठीक है, तो जो अपने को बच्चों ये देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, जिसके अंदर ई वेक्टर इज इक्वल टू ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप होता है। ठीक है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू -∇V/∇r -1/r∇V/∇θ। मतलब वी का एक बार तो क्या किया अपन ने, आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और एक बार क्या किया अपन ने, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ∇V/∇r और ∇V/∇θ इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अपने पास जो इक्वेशन 3 है, इसका क्या करेंगे अपन, एक बार आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। चलो आओ करते हैं, ई आर इज इक्वल टू ∇V/∇r, देन ई आर इज इक्वल टू ∇V/∇r, और वी की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 से पुट कर दी, कितनी है वो, पी r³ cos θ/3 ε₀ r² अब देखिए बच्चों, ये क्या है, डेरिवेटिव क्या है, स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में है और स्मॉल आर स्क्वायर नीचे है, इसलिए इसका डेरिवेटिव देखो बच्चों, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये r⁻²² हो जाएगा, और जब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 r⁻³। ठीक है, जब इसको जब वापस जब नीचे लेके आएंगे तो कितना आएगा, -2/r³, ये वाली वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसमें पुट करने पर अपने पास क्या मिल जाएगा, ई आर इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, PR³ cos θ, ये तो कॉन्स्टेंट था, ठीक है, ये तो ऐसे कैसे बाहर आ गया। ठीक है, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, 2 मल्टीप्लाई में आ गया, और नीचे क्या है, 3 ε₀, ये भी कॉन्स्टेंट था, ये भी ऐसे कैसे आ गया, और r³ डेरिवेटिव का आ गया। तो अपने पास बच्चों फाइनल हमें क्या मिल गया, ER इज इक्वल टू 2P₃ cos θ/3 ε₀ r³, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन 5। अब देखिए बच्चों, अपने पास ER की वैल्यू तो अपन ने कैलकुलेट कर ली, अब अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार एक बार इक्वेशन 3 का अपन क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करेंगे, और जब थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास कितना मिलेगा, ई थीटा इज इक्वल टू -1/r∇V∇θ। तो देखिए बच्चों, इस वाली टर्म में ओनली थीटा का जो फंक्शन है वो क्या है, कोस थीटा है, बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है, तो बाकी तो सब ऐसे कैसे आ गया, देखो PR³
अपॉन विथ 3 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर और एक ये आर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये ओनली क्या है, कोस थीटा ही, ओनली थीटा की टर्म है। और कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, माइनस साइन थीटा। और माइनस और एक, इसमें पहले से माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और साइन थीटा क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। तो अपने पास जो ई थीटा की वैल्यू है वो कितनी मिली बच्चों, ई थीटा इज इक्वल टू पी कैपिटल आर क्यूब साइन थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए बच्चों, अपने पास क्या आ गया, ई आर की भी वैल्यू आ गई और ई थीटा की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, जब ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर अपन ई आर और ई थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, और उसके बाद में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ये देखिए बच्चों, ये हमने क्या किया, इक्वेशन 5 और 6 से 4 में जब वैल्यू रखी, देखिए बच्चों इक्वेशन 5 में तो ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे यहाँ पे रख दी, ठीक है, और इक्वेशन 6 से ये वाली वैल्यू रख दी। तो अपने पास क्या हुआ, किसी बाह्य बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपने को मिल गया। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया, किसी ध्रुवित गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर अपन ने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। और अब अपन क्या करेंगे, किसी ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर कैलकुलेट करेंगे। मतलब सिर्फ हमें इतना करना है कि जो पहले जो डिस्टेंस जो स्मॉल आर थी वो अब कितनी है। देखिए बच्चों, ये वाला जो पॉइंट पी है पहले कहाँ था, बाह्य बिंदु पर था, ठीक है, और इसके और केंद्र के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, स्मॉल आर थी। लेकिन अब ये वाला पॉइंट पी यहां ना होकर के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, रेडियस के बराबर होगी, मतलब आर इज इक्वल टू आर। तो अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने जो बाह्य बिंदु पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था उसमें सिर्फ स्मॉल आर की वजह, आर की जगह क्या करना है, कैपिटल आर पुट करना है, ठीक है बच्चों। चलो आओ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपन ने क्या किया, समीकरण 3 थी और उसमें अपने को क्या था, वी इज इक्वल टू पी कैपिटल आर क्यूब कोस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर था, ठीक है बच्चों। इसकी जगह क्या था इक्वेशन 3 में, स्मॉल आर स्क्वायर। चलो आओ एक बार इक्वेशन 3 भी दिखा देते हैं, ठीक है, ये रही इक्वेशन 3। इसमें देख लीजिए बच्चों, वी इज इक्वल टू पी आर क्यूब कोस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर स्क्वायर की जगह अपन क्या करेंगे, हम कैपिटल आर स्क्वायर रख देंगे, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या मिलेगा, जब आपने यहाँ पे आर स्क्वायर रखा तो ऊपर ओनली सिर्फ आर की एक ही टर्म बचेगी, तो अपने को क्या मिला, वी इज इक्वल टू पी आर कोस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि बच्चों जेड बराबर क्या होता है, आर कोस थीटा होता है, और ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो अपने पास क्या मिला, इक्वेशन 8 मिल गई, और वो क्या है, वी इज इक्वल टू पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू किसकी है, किसी ध्रुवीय गोले के पृष्ठ पर जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताइए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ पोटेंशियल का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपन ने क्या किया, जो इक्वेशन 7 थी इसके अंदर वही काम कि स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल आर वेक्टर रख दिया। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन 7 को एक बार दोबारा से देखिए आप, इक्वेशन 7 की जो फर्स्ट वाली टर्म है इसके अंदर जो ये नीचे स्मॉल आर क्यूब है, इसको अपन क्या करेंगे, कैपिटल आर क्यूब में चेंज कर देंगे। अगर कैपिटल आर क्यूब में चेंज करेंगे तो ऊपर वाले आर क्यूब से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन इधर देखिए बच्चों, इस वाली इक्वेशन में तो अपन ने क्या किया, वहां पे आर क्यूब पुट कर दिया, 2 पी आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट कोस थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप। और इसी प्रकार इक्वेशन 7 की जो सेकेंड वाली टर्म है उसमें जो स्मॉल आर क्यूब है नीचे, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 पी कोस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब प्लस पी साइन थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट थीटा क्यूब। ये बच्चों अपने को क्या मिल गया, किसी ध्रुवित गोले के कारण पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड
मिल गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सब नोट्स तो अच्छे से तैयार कर ही रहे होंगे। अगर नोट्स बना भी नहीं पा रहे हैं तो बच्चों आपको जो ये हम नोट्स लिख रहे हैं ये सब मैं आपको पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि हमारे, या तो आप फिजिक्स इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर नाम से ऐप हमारा, वो डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये वाले नोट्स ही आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, इसलिए आपको नोट्स तो बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पे हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको और भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जितने भी हम नोट्स वगैरह जो भी हैं वहाँ पे हम सब कुछ बताते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे तो इतना नहीं बता पाते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट है वो सी पॉइंट क्या है, द्रुवित गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमारा जो थर्ड जो टॉपिक है वो क्या है, किसी ध्रुवित गोले के कारण उसके जो सेंटर पॉइंट ओ है उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। अपन ने सबसे पहले क्या कर लिया, अपन ने क्या लिया था, दोबारा से याद करिए एक बार, अपन ने लिया था एक ध्रुवित गोला लिया था, ठीक है। उसको क्या किया था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके जो धनायन तथा ऋणायन के जो केंद्र थे उनके ऊपर क्या हुआ, एक फोर्स काम किया, फोर्स की वजह से क्या हुए, वो दोनों अलग अलग हुए थे, और अलग अलग होने की वजह से उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, डी जेड थी। डी जेड डिस्टेंस के कारण उनके अंदर क्या हो गया था, वहां पे एक डायपोल मोमेंट जनरेट हो गया था, ठीक है बच्चों। डायपोल मोमेंट जनरेट हो गया था, उसके बाद में हमने क्या किया था, उस डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर अपन ने क्या किया कि अपने को किसी बाह्य बिंदु पी पर ध्रुवित गोले के कारण विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना था, तो अपन ने पिछले वाली डेरिवेशन से अपने डायरेक्ट पोटेंशियल लेके आए और उसमें क्या किया, द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू पुट कर दी। फिर उसका जो अपने पास जो पोटेंशियल मिला था उसका क्या किया, एक बार डेरिवेटिव कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद में अपन ने जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था, अपन ने सरफेस पे कैलकुलेट किया था, सरफेस पे विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया था। और वो करने के बाद अब अपना जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, किसी ध्रुवित गोले के सेंटर पॉइंट पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र। अब देखिए बच्चों, किसी गोले के जब सेंटर पे जो बाहर जो पृष्ठ पे है वो ही क्या रहेगा, अंदर रहेगा विद्युत विभव, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो पहले वाला वैल्यू था पोटेंशियल का वो ही अब है, मतलब V इज इक्वल टू पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों अब ध्यान से ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन ने क्या लिया था, अपन ने गोले को जेड दिशा में ध्रुवित माना था, और जेड दिशा में ध्रुवित माना था इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में होगा नहीं, मतलब ई एक्स और ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और अपने को ओनली क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, ठीक है, ई जेड की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अपने पास पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, ये वाला, और अपने पास पता है कि ई एक्स और ई वाई की वैल्यू जीरो होगी, अपन क्या करेंगे, ई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। EZ कितना होगा, माइनस डेल V अपॉन डेल Z, मतलब कि पोटेंशियल का डेरिवेटिव करना है एक बार Z के रेस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। और जब पोटेंशियल का अपन डेरिवेटिव करेंगे, देखिए ये रहे पोटेंशियल अपना PZ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जब Z का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो Z का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अपने पास क्या बचेगा, माइनस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये किसकी वैल्यू है, किसी ध्रुवित गोले के सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज का जो ये टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई और कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आया, या फिर आपका कोई टॉपिक छूट गया है, तो प्लीज़ आप हमें ईमेल के द्वारा या फिर यूट्यूब पे मैसेज के द्वारा आप हमें सिलेबस सेंड कीजिए, वो टॉपिक का नाम सेंड कीजिए, या फिर जहाँ भी दिक्कत आई है वो बताइए। और साथ के साथ आप फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर के नाम से जो ऐप है वो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उसको, जिससे कि और हमारी क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप
हर वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर के नाम से जो ऐप है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये फायदा पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम टू फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर। आई एम दीपक सिंह। आज जो अपनी क्लास होगी वो क्या होगी, किसी पराविद्युत गोले को अपन क्या करेंगे, किसी समविद्युत क्षेत्र में रखेंगे और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और जो पोलराइजेशन है वो कैलकुलेट करते हैं। चलो आओ देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। समविद्युत क्षेत्र में स्थित पराविद्युत गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अपन ने क्या किया कि अपन ने एक ध्रुवीय गोला लिया है, ठीक है बच्चों, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और उसको अपन ने क्या कर दिया, एक बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट में रख दिया। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, समदैशिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। और जब बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो कैसे गोला क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा, और ध्रुवित होने पर जो उसके अंदर क्या होगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण जनरेटर हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि एक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले किसी गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, किसी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो अपन ने बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने प्रदान किया था उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। चलो आओ देखते हैं। माना किसी समविद्युत क्षेत्र ई नोट में आर त्रिज्या तथा एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का एक समांगी एवं समदैशिक परावैद्युत गोला स्थित है तथा गोले का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा समविद्युत क्षेत्र ई नोट जेड दिशा में है। जब गोले पर विद्युत क्षेत्र जेड दिशा में लगाते हैं तो जेड दिशा में ध्रुवण पी प्रेरित हो जाता है, जो गोले के बाहर तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित कर देता है। अब देखिए बच्चों, जो अपना जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पैरावैद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। और जो पैरावैद्युत गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस किस के बराबर होगा, गोले के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र ई इन, आरोपित विद्युत क्षेत्र ई नोट, तथा गोले में ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई पी के योग के बराबर होगा। और अपन ने जो पिछले वाला डेरिवेशन था उसके अंदर ध्रुवण के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई पी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी जस्ट पिछले वाले डेरिवेशन में, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं कि पी के कारण जो गोले में विद्युत क्षेत्र होता है पोलराइजेशन के कारण वो कितना होता है, ई पी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर तो अपने पास क्या मिलेगा, ई इन इज इक्वल टू ई नोट माइनस पी वैक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। और अपन जो ये ध्रुवण है इसकी वैल्यू जानते हैं, ध्रुवण की वैल्यू कितनी होती है, पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई इन, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन 3 है इसकी जगह इसके अंदर जो ये जाई है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। और अपने को पता है कि जाई इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन आर -1। तो ये जाई की वैल्यू अपन क्या करेंगे, विद्युत प्रवृत्ति की वैल्यू क्या करेंगे, इसकी जगह पुट करने, यह मान समीकरण 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखेंगे, देखिए बच्चों, एप्सिलॉन आर -1 मतलब इस वाली जगह पे अपन क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर -1 रखेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर -1 और ई इन। अब देखिए बच्चों, अपने पास पोलराइजेशन पी की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब अपने पास पोलराइजेशन पी की वैल्यू आ गई तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, मतलब इक्वेशन नंबर ये वाली जो 2 इक्वेशन थी, इसके अंदर पी की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, अर्थात ई इन इज इक्वल टू ई नोट, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और पी की वैल्यू अपन पुट कर देंगे इक्वेशन 4 से। तो देखिए बच्चों, अपन ने ये वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, ई इन इज इक्वल टू ई नोट माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर -1 इंटू ई इन, ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे इसमें रख दी, ठीक है बच्चों। और नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे आ गया। अब देखिए बच्चों, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, फिर अपने पास जो फाइनल जो टर्म बची वो कितनी बची, ई इन इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन आर ई नॉट। अब देखिए बच्चों, जो अपने पास जो बचा उसका क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो अपने पास क्या मिला, ई इन इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन आर इंटू ई नॉट, इसको दे दिया हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 5। अगर बच्चों ये वाली अगर टर्म आपके समझ में नहीं आई तो एक बार देख लीजिए कि ई इन प्लस, ठीक है बच्चों, ये वाला जो अपन ने ई इन इधर बचेगा वो अपन ने क्या किया,
इस वाले ई इन की तरफ क्या कर दिया अपन ने, ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने पर अपने को क्या मिला, ई इन प्लस एप्सिलॉन आर माइनस वन बाई थ्री ई इन। ठीक है बच्चों, और इसके जो बराबर में क्या है, ई नॉट है। और जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अपन ने क्या किया, इसको ई नॉट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। और जब ई नॉट की तरफ ट्रांसफ़र किया तो अपने को क्या मिल गया, ई इन इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू प्लस एप्सिलॉन आर इंटू ई नॉट वैक्टर। ठीक है बच्चों, ये अपने को क्या मिल गया, किसी जब ध्रुवित पैराविद्युत गोले को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो उसके जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, जो इक्वेशन 5 बताती है। ठीक है, और जो हमें पोलराइजेशन की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 3 पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई इन, अपने पास ई इन की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। तो अपन क्या करेंगे, पोलराइजेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ई इन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे ई इन की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए बच्चों, पी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस टू इंटू एप्सिलॉन आर माइनस वन ई नॉट वेक्टर, ये हमें पोलराइजेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो किसी ध्रुवीय गोले के कारण उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पोलराइजेशन की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए बच्चों, किसी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखो, वहाँ पे हमने किसी गोले को जो बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन ने प्रदान करवाया था, ठीक है, वो कितना था, ई नॉट था। ठीक है, और जो अपन ने पिछले वाली डेरिवेशन की थी कि जब गोला जब ध्रुवित होता है तो उसकी वजह से किसी बाह्य पॉइंट पी पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपन ने कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे अपन ने ई डैश की वैल्यू कैलकुलेट की थी पिछले वाली डेरिवेशन में। ठीक है, अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप पिछले वाले जो वीडियो हैं वो एक बार कंप्लीट देख लीजिए। वहाँ पे हमने किसी ध्रुवित गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैलकुलेट करवाया था। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई डैश प्लस जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान करवाया है ई नोट, उसका जो एडिशन है वो किसके बराबर होगा, किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो देखिए, गोले के बाहर कुल विद्युत क्षेत्र ई आउट, आरोपित विद्युत क्षेत्र ई नोट तथा ध्रुवित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई डैश के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए बच्चों कि हम जानते हैं कि किसी ध्रुवित गोले के कारण गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है वो इतना होता है। ठीक है, इसको दे दिया हमने, क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 8 दे दिया, और ये पिछले वाली डेरिवेशन से डायरेक्ट रिजल्ट लिया अपन ने। ठीक है, तो इक्वेशन 8 से अपन ने क्या किया, इक्वेशन 7 में वैल्यू पुट कर दी। तो ई आउट इज इक्वल टू ई नॉट प्लस टू पी आर क्यूब कोस थीटा अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब प्लस कैपिटल पी कैपिटल आर क्यूब साइन थीटा थीटा कैप अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है बच्चों, इधर आर कैप हो रहा है। अब देखिए बच्चों कि अपन ने फ्रॉम इक्वेशन 6 से, अब देखिए बच्चों इक्वेशन 6 देखिए, अब इक्वेशन 6 से अपने को पोलराइजेशन की वैल्यू पता चल गई थी। ठीक है, तो इस पोलराइजेशन की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, मतलब ये वाला पी है इसकी जगह वैल्यू इक्वेशन 6 से रखने पर, जब इसकी वजह से इक्वेशन 6 से जब पी की वैल्यू रखेंगे तो अपने को ये वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ध्रुवित गोले के बाहर जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपके ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। और बच्चों देखिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% फिक्स है किसी गोले के कारण या फिर ध्रुवित गोले के कारण अंदर बाहर या फिर सरफेस पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 100% एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। और हमेशा एक बार आप पिछले वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं। अब देखिए जो आप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है बच्चों, गाउस का नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, उस फ्लक्स के अंदर जितना भी चार्ज होता है उसके 1/εr मल्टीप्लाई के। ठीक है बच्चों, तो कितना होता है किसी विद्युत फ्लक्स कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन के। अब देखिए अर्थात निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन। अब देखिए बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, अगर आपको 1.5 नंबर में पूछे या फिर 1 नंबर में इक्वेशन आए, तब तो यहीं तक करना है बस। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि ए पार्ट का जब क्वेश्चन आए आपके 1.5 नंबर का, तो सिर्फ इक्वेशन 1 तक करनी है, या फिर आपके ज़्यादा अगर 3 नंबर में पूछे या फिर इसका अवकल रूप भी पूछे, तब आपको लास्ट तक यहाँ तक करना है। ठीक है बच्चों, चलो आओ इसका अवकल रूप देखते हैं, या फिर क्वेश्चन गाउस का नियम, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि गाउस का नियम का अवकल रूप भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि यदि आवेश क्यों आयतन dv में वितरित हो, तो तब देखिए बच्चों आयतन आवेश घनत्व से, सपोज करो अपने पास क्या है, dq चार्ज, ठीक है, और वो कितना होता है, रो फ्री इंटू dv। ठीक है बच्चों, ये कहाँ कहाँ से आया बच्चों, ये आया है आयतन आवेश घनत्व से। एक बार याद कीजिए, आयतन आवेश घनत्व की डेफिनेशन से, रो इज इक्वल टू क्या होता था, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना अपने पास, मान लो कि डी क्यू है, ठीक है, और अपॉन में उसके टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना, डी वी है। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ ही गया होगा कि आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो यहाँ से देखिए बच्चों, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। अब दोनों तरफ से जब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा, क्यू, और इधर क्या आ जाएगा, ये देखिए बच्चों जो चार्ज है फ्री चार्ज है, इसलिए रो फ्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये टर्म समझ में आ गई होगी, जो कि इक्वेशन 2 है, क्यू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन रो फ्री डी वी। और बच्चों, अपन ने जब पिछले वाले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो उसके अंदर अपन ने डी की वैल्यू पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एप्सिलॉन ई वेक्टर। अब देखिए, जो इक्वेशन 3 से और 2 से 1 वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, सबसे पहले तो देखिए बच्चों कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस क्यू की वैल्यू है जो अपन इक्वेशन 2 से पुट करेंगे, और जो ये एप्सिलॉन है, इसको क्या किया, इस साइड में ई की साइड में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया तो हमें ये मिल गया कि एप्सिलॉन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो फ्री डी वी। अब देखिए बच्चों, जो इक्वेशन 3 है उसमें वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर। ठीक है, तो एप्सिलॉन ई वेक्टर की जगह हमने क्या रख दिया, डी वेक्टर, और डी ए वेक्टर ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो फ्री इंटू डी वी। ठीक है बच्चों, ये अपने पास इक्वेशन 4 मिल गई। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, गॉस डाइवर्जेंस, एक बार आप यूनिट फर्स्ट में हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करवाई थी, तो यूनिट फर्स्ट का जो स्केलर एंड वेक्टर वाला फील्ड वाला जो चैप्टर है, आप एक बार वो दोबारा से कर लीजिए, उसके अंदर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको मिल जाएगी, उसका वीडियो देख लीजिए एक बार, उसका हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज में लिया है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, वो क्या थी, वो हमें क्या बताती थी, वो हमें एक सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में रिलेशन बताती थी। यदि हमें कोई सरफेस इंटीग्रल दे रखा है, तो हम उसको वॉल्यूम में कैसे चेंज करें, ये हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा कर सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी वेक्टर इंटू डी वी। मतलब ये हुआ कि किसी डी वेक्टर का, किसी वेक्टर डी का यदि अपने को सरफेस इंटीग्रेशन पता है, तो अपन क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, ये गॉस डाइवर्जेंस थी, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को आप एक बार कंपेयर कीजिए, जो इसका जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, ये तो क्या है, बराबर है। अब देखिए बच्चों, राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में देखिए, डी ए डी वी और डी वी ये दोनों भी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो फ्री। ठीक है बच्चों, जब हम इक्वेशन 4 5 को कंपेयर करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो फ्री। और इसको दे दिया हमने इक्वेशन 6, और इक्वेशन 6 हमारी क्या कहलाती है, गॉस प्रमेय का अवकल रूप कहलाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि गॉस नियम क्या होता है, तब तो आपको सिर्फ गाउस का नियम बताना और उसका जो फॉर्मूला है वो बताना। यदि ऐसे आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि गाउस के नियम का अवकल रूप बताइए या फिर सिद्ध कीजिए, तब आपको लास्ट इक्वेशन 6 तक करना है। ठीक है बच्चों, और आप हमारे फिजिक्स इंस्टीट्यूट
जयपुर के नाम से जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये हमारा काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो उनका फ़ायदा उठा सकें। और आप प्लीज़ जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। आप बताइएगा कि आपके जो ये वीडियो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। चलो आओ बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत प्रवर्ती एवं परमाणु ध्रुवणता में संबंध, या फिर ये क्लॉसियस मोसर्टी रिलेशन के नाम से भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार आ भी चुका है एग्जाम में, तो चलो आओ देखते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, जब किसी पराविद्युत को आवेशित समांतर प्लेटों के बीच रखते हैं तो उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ई टोटल इज इक्वल टू ई प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाली वैल्यू अपन ने क्या किया था, अभी पिछले वाले डेरिवेशन में ही कैलकुलेट की थी। किसी जब ध्रुवित गोले को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ई टी इज इक्वल टू ई प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और यदि सपोज करो बच्चों कि यदि गोले में परमाणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन में एन है तो क्या होगा, पोलराइजेशन पी इज इक्वल टू एन पी। ठीक है, ये पोलराइजेशन का कैपिटल पी है बच्चों और ये द्विध्रुव आघूर्ण का स्मॉल पी वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तथा द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या होगा, पी प्रोपोर्शनल टू ई टी। बच्चों एक बार ये वाली लाइन आप दोबारा से ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो पी स्मॉल पी वेक्टर होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रेरित होता है। तो इसलिए क्या होगा, स्मॉल पी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ई टी, इसलिए पी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ई टी। ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। अब अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 और 1 से 2 में वैल्यू पुट करने पर, ये देखिए बच्चों ये इक्वेशन 2 है, ये देखिए बच्चों ये इक्वेशन 2 है, इसके अंदर क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से तो स्मॉल पी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, और इक्वेशन 3 के अंदर ई टी की वैल्यू इक्वेशन से 1 से पुट करने पर, तो फिर अपने को क्या मिलेगा, देखिए बच्चों कैपिटल पी ऐसे कैसे आ गया। ठीक है ये वाला, और फिर आगे क्या आएगा, एन अल्फा ई प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इस पी की जगह अल्फा ई टी रख दिया, अल्फा तो ऐसे कैसे आ गया, और ई टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखिए बच्चों ये रही। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे पुट कर दी। अब अपन ने क्या किया बच्चों, एन अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ गया, पी इज इक्वल टू एन अल्फा ई प्लस एन अल्फा पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, जो सेकंड वाली टर्म क्या आई, एल एन अल्फा पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इसके अंदर भी देखिए बच्चों पी है, ठीक है, और इधर भी पी है, तो इसलिए अपन ने क्या किया कि दोनों को एक साइड में लिया, ठीक है, और पी उसके अंदर से कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, और बाकी टर्म क्या कर दी, एन अल्फा ई के नीचे सेंड कर दी, तो अपने को क्या मिल गया, इक्वेशन 4 मिल गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों कि हम जानते हैं कि पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई वेक्टर। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को देखिए, इक्वेशन 4 और 5 को देखिए कि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हमने राइट साइड को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, एप्सिलॉन नॉट जाई ई इज इक्वल टू एन अल्फा ई अपॉन 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए बच्चों कि इसके अंदर ई ई से कैंसिल हो गया। अब देखिए कि जो ये 1 माइनस जो नीचे वाली टर्म है इसको अपन ने क्या किया, इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, और जाई की वैल्यू अपने को पता ही है कितनी होती है, एप्सिलॉन आर माइनस वन, तो ये हमने एप्सिलॉन आर माइनस वन इसकी वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे है, और ये वाली टर्म इधर ट्रांसफ़र कर दी, जो ऐसे कैसे आ गई। ठीक है, और राइट साइड में अपने पास क्या बचा, ओनली एन अल्फा बचा। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे भी एन अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एन अल्फा है, तो अपन ने क्या किया कि इस वाली टर्म को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर जब इसके साथ कंप्लीट के साथ इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जो आएगा उसको हमने क्या किया, एन अल्फा की तरफ इस साइड में
ट्रांसफ़र कर दिया। वो ट्रांसफ़र करने के बाद में एन अल्फा उसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर जो बचा वो क्या बचा, वन प्लस एप्सिलॉन आर माइनस वन बाई थ्री। ठीक है बच्चों, अब अपन ने क्या किया कि जो ये एप्सिलॉन नोट है इसको नो एन अल्फा के नीचे सेंड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको तो यहाँ सेंड कर दिया। ठीक है, एप्सिलॉन आर माइनस वन ऐसे कैसे आ गया। और जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, वन की जगह थ्री बाई थ्री कर दीजिए और एप्सिलॉन आर माइनस वन बाई थ्री, और जब इसका एडिशन करेंगे तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन आर प्लस टू बाई थ्री। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन आर बाई टू था ना, इसको तो अपन ने क्या कर दिया, इसके नीचे सेंड कर दिया। ठीक है, और बाकी जो थ्री एप्सिलॉन नोट इसके नीचे आ गया। तो जो हमें इक्वेशन सिक्स क्या मिल गई, एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस टू इज इक्वल टू एन अल्फा अपॉन थ्री एप्सिलॉन नोट। और बच्चों यही इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन कहलाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका जो यूनिट सेकेंड है वो जो आपका जो यूनिट सेकेंड है वो लास्ट टॉपिक था ये। ठीक है बच्चों, और हम लगभग लगभग राजस्थान यूनिवर्सिटी का 50% और बाकी जो अलवर की यूनिवर्सिटी है या फिर सीकर है, जो जोधपुर है, बीकानेर, इन यूनिवर्सिटी की लगभग लगभग 70% सिलेबस कवर हो चुका है जो। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट दो यूनिट का भी जल्दी से जल्दी आपको वीडियो अवेलेबल करवाएं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और हमारे यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।